क्या आपने ओलंपिक गेम्स देखे? बहुत ज़बरदस्त थे। मनु भाकर के 2 मेडल्स, हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल रिटेन किया है, और भी बहुत सारे ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हुए हैं। नीरज चोपड़ा, कितने लोगों ने नीरज चोपड़ा के लिए गेम्स देखे, ये देखने के लिए कि क्या वो डबल गोल्ड मेडल्स बन सकता है। खैर, जो हुआ बहुत ज़बरदस्त खेल था, पर क्या आप लोग जानते हो कि इंडिया के पास ऑलरेडी एक डबल गोल्ड मेडलिस्ट है? क्या आप लोग जानते हो कि ओलंपिक गेम्स जैसे ही एक पैरालंपिक गेम्स होते हैं, जो कि ओलंपिक गेम्स का ही एक वर्जन होता है, जहां पर स्पेशली एबल्ड लोग, जैसे कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, उन लोगों के लिए पैरालंपिक गेम्स होते हैं, जो कि ओलंपिक गेम्स का इक्विवेलेंट होता है। जी हाँ, पैरालंपिक गेम्स में इंडिया के पास ऑलरेडी एक डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, देवेंद्र झाझरिया। जैवलिन थ्रोअर हैं ये भी, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। पर आप लोग शायद ये जानते ही नहीं हो, क्योंकि पैरालंपिक गेम्स को उतना प्रमोट किया नहीं जाता। अभी भी जब ओलंपिक गेम्स चल रहे थे या शुरू होने से करीब महीने भर पहले, उनके प्रमोशंस शुरू हो गए थे, पर पैरालंपिक गेम्स के बारे में कोई प्रमोशंस नहीं चल रहे थे। पर खैर, पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं और उन्हें टीवी पर दिखाया भी जा रहा है। जी हाँ, डीडी स्पोर्ट्स पर इसे टेलीवाइज किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एड्स नहीं हैं, कोई दिग्गज आकर अपना ज्ञान नहीं बांटता, कोई खास डिस्कशन नहीं होता, प्योर स्पोर्ट्स, दैट्स इट। देखने के लिए बहुत मज़ेदार लगता है, सच कहता हूँ। जैसे ओलंपिक्स गेम के दरमियान डिस्कशन इतना हो रहा था, स्पोर्ट्स बहुत कम दिखाया जा रहा था, यहाँ पर वैसा नहीं है। स्पोर्ट्स भर भर के स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं लोग, और उसमें भी इंडिया को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जिस वजह से इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच। एनीवेज, ओलंपिक गेम्स में पिछले एडिशन में इंडिया ने करीब 7 मेडल्स जीते थे, पैरालंपिक गेम्स में 19 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल्स थे। जी हाँ, 5 गोल्ड मेडल्स थे। पिछली बार 81 लोगों की कंटिनजेंसी भेजी गई थी, इस बार 84 लोग गए हैं, और अब 2 दिन में इंडिया ने ऑलरेडी 5 मेडल्स जीत लिए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है। 4 मेडल्स जो हैं वो शूटिंग से आ चुके हैं। बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया, जिसमें से कम से कम 1 मेडल तय है, क्योंकि 2 इंडियंस सेमीफाइनल्स में आमने सामने खेलने वाले हैं। और भी लोग हैं बैडमिंटन में जिन्होंने सेमीफाइनल्स में अपना मकाम बना लिया है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 मैच होने वाली है, और कुछ क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुँच चुके हैं। एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेशन आने वाला है, अभी तक सुमित अंतिल आने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जैवलिन थ्रो में उन्हीं के नाम पर है। मरियप्पन तंगवेलु भी खेलने वाले हैं, अभी भाविना बेन पटेल भी आनी है। ये वो टेबल टेनिस प्लेयर है जिसने चाइनीज डोमिनेशन खत्म किया, पिछली बार सिल्वर जीता था, इस बार देखते हैं क्या करती हैं। पिछली बार जैवलिन में हमें 3 मेडल्स थे, हाई जंप में 4 मेडल्स थे, अब एथलेटिक्स में ऑलरेडी 1 मेडल आ चुका है, सरप्राइजिंगली 100 मीटर्स में। जी हाँ, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, 100 मीटर्स में इंडिया ने मेडल जीता है। और वही प्लेयर प्रीति पाल, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो 200 मीटर्स में भी पार्ट लेने वाली है। शूटिंग में जहाँ अवनी लेखारा ने ऑलरेडी एक गोल्ड मेडल जीता है, उसके और 2 पार्टिसिपेशन आने बाकी हैं। 4 मेडल्स तो हो चुके हैं इंडिया के शूटिंग में, और पता नहीं कितने ले आएंगे। 19 मेडल्स लास्ट टाइम थे, इस बार कितने लाएंगे? देखिए, सपोर्ट कीजिए, उनके बारे में पोस्ट कीजिए, बहुत ज़बरदस्त खेल होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, बिना बाहों का कोई आर्चर हो सकता है? जी हाँ, शीतल देवी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, हालांकि एलिमिनेट हो गई हैं, पर उनकी जब मैंने मैच देखी, सबसे पहला उनका जो शॉट था स्पाइडर पे था। जी हाँ, 10 का जो सर्कल होता है, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल होता है, और उसके सेंटर में क्रॉस हेयर होता है, इसको स्पाइडर कहते हैं। उन्होंने स्पाइडर हिट किया था, बहुत ज़बरदस्त खेली थी, सिर्फ 1-7 और 2-8 की वजह से मात खा गई थी। इतना ज़बरदस्त खेल हो रहा है, तो देखिए, इनको सपोर्ट कीजिए, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, पोस्ट भी कर रहा हूँ, आप भी देखिए, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, ट्रस्ट मी। अभी तो सिर्फ 3रा दिन है, आगे आगे देखिए होता है क्या।